तत्वाधान में सोमवार को शहर के डाक बंगला मैदान में नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने भाग लिया, जिसमें विद्यासागर इंस्टीट्यूट पंदनिया, सेंट जोसेफ मधुपुर, आदिवासी क्लब ढोरसा देवीपुर, आदिवासी क्लब पिपरासोल, डायनेमिक एफसी मधुपुर, आदिवासी क्लब मथुरा, मधुपुर फुटबॉल क्लब, अजय 11 चौड़ा शामिल हैं। प्रतियोगिता के फाइनल मैच का उद्घाटन एसडीओ दिनेश यादव, एसडीपीओ विजय रवानी, उद्योगपति रमेश झुंझुनवाला, नगर परिषद कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद जियाउल हक ने संयुक्त रूप से किया। टूर्नामेंट शुरू होने से पूर्व दिवंगत फुटबॉल खिलाड़ियों के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही जिला स्तर के वैसे फुटबॉल खिलाड़ी जिन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है, उन खिलाड़ियों को शॉल देकर सम्मानित किया गया। नॉकआउट के बाद पहला सेमी फाइनल डायनेमिक एफसी बनाम सेंट जोसेफ मधुपुर के बीच खेला गया, जिसमें 1 गोल से डायनेमिक एफसी मैच में जीत दर्ज की। फाइनल मुकाबले में मधुपुर एफसी के खिलाड़ी रंजीत ने लगातार 2 गोल कर डायनेमिक एफसी को हराया। एसडीपीओ विनोद रवानी ने विजेता व उप विजेता टीम के खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार का वितरण किया। मौके पर फुटबॉल संघ के अध्यक्ष अल्ताफ हुसैन, सचिव चेतराम सिंगारी, पूर्व नगर अध्यक्ष फयाज केसर, हेमंत नारायण सिंह, महेंद्र घोष, साहिद अलीमी, मलय बोस, खैबर चंचल, हलीम शमशी, मोहम्मद मुमताज सहित सैकड़ों खेल प्रेमी उपस्थित थे। ये हमारे आयोजन समिति के विद्यमान कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं, जिन्होंने इस खेल को पूरा कर आवाज के दुनिया में आप देख रहे हैं पूरा प्रेजेंट है। सीनियर सिटीजन हो चुका है तो पर भी अपना प्रोत्साहन को दे सकते हैं। हमारे रमेश सर में काम लेते हैं खेल को प्रोत्साहन के लिए मैन ऑफ द सीरीज। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मधुपुर इकाई द्वारा स्थानीय गांधी चौक पर दुमका की छात्रा अंकिता सिंह की निर्मम हत्या के विरुद्ध कैंडल मार्च का आयोजन किया गया एवं इस विभत्स घटना की भर्त्सना की गई एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। मौके पर जिला सहसंयोजक अंकित सिंह ने कहा कि ऐसी घटना समाज को शर्मसार करने वाली है। जिस प्रकार इस समाज में आज भी शाहरुख जैसे भेड़िए विद्यमान हैं, उससे हमारी बहनें असुरक्षित महसूस करती हैं। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में ऐसी घटना का पुरजोर विरोध होना चाहिए एवं ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे निर्मम हत्या को स्पीडी ट्रायल कराते हुए फांसी देने की मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करती है। इस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं दुमका के SDPO नूर मुस्तफ़ा की भूमिका भी संदिग्ध के घेरे में है। राज्य सरकार जहां एक तरफ रांची हिंसा में घायल नदीम को एयर एम्बुलेंस से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजती है, वहीं झारखंड की बेटी अंकिता के साथ हुए विभत्स घटना के बावजूद उसके बेहतर इलाज के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई, जो कहीं ना कहीं इस सरकार के सांप्रदायिक चेहरे को उजागर करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस विभत्स घटना में शामिल दोनों आरोपियों को फांसी देने की मांग करती है। मौके पर कॉलेज छात्रा प्रमुख खुशी शर्मा, वैष्णवी चौधरी, पूर्व महाविद्यालय अध्यक्ष सुदामा यादव, कॉलेज मंत्री सूरज मिश्रा, कॉलेज उपाध्यक्ष अंकित आनंद, सौरभ चौधरी, नीतीश पांडे, नैतिक तिवारी, उदय गोलू भैया, आशीष आदित्य, नीतीश कुमार, अंकित बनर्जी आदि दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर के नगर पालिका रोड स्थित रेलवे फुटबॉल मैदान में मनोरंजन का केंद्र भव्य डिज्नीलैंड का शुभारंभ सोमवार को हुआ, जिसका उद्घाटन शहर के पूर्व प्रसिद्ध उद्योगपति रमेश झुंझुनवाला ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उनके साथ लौपाला के PRO हेमंत नारायण सिंह उर्फ मोती सिंह, न्यूज लाइन के निदेशक प्रिंस अहमद, न्यूज 11 के पत्रकार राजेश कुमार मौजूद थे। इस उद्घाटन समारोह में मेला के संचालक रणवीर कुमार ने आगंतुक अतिथियों को बुके, अंग वस्त्र व कलम देकर सम्मानित किया। मौके पर श्री झुंझुनवाला ने लगे स्टॉलों में खरीदारी भी की। कहा कि मधुपुर के लोगों के लिए अब मनोरंजन का कोई स्थान नहीं बचा है, ऐसे में इस प्रकार के डिज्नीलैंड मेला के आयोजन से यहां के लोगों का मन बहलेगा, लोग अपने परिवार व बच्चों के साथ आकर मेला का आनंद उठाएंगे। मौके पर मैनेजर गुड्डू चौरसिया, फिरोज समेत मधुपुर पुलिस के जवान व सैकड़ों शहरवासी मौजूद थे।
सोमवार को अनुमंडलीय अस्पताल सभागार में अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद की अध्यक्षता में मासिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में BPMU, CHO, ANM, MPW सहित स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। उपाधीक्षक ने बैठक में पूर्ण टीकाकरण, संपूर्ण टीकाकरण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि लक्ष्य को प्राप्त करना है ताकि प्रखंड की स्थिति जिला में अव्वल हो और सभी बच्चे 6 जानलेवा बीमारी से बच सके। इसके लिए टीकाकरण दिवस पर बच्चों की संपूर्ण टीकाकरण हो। उन्होंने टीकाकरण में कोताही बरतने वाले पर कार्रवाई करने की बात कही। कहा कि टीकाकरण समाप्ति के पश्चात ही अगले सत्र की तैयारी सेविका, सैया एवं ANM मिलकर कर लें ताकि ड्यू लिस्ट बनाने में परेशानी ना हो। वहीं बाहर टीका लेने वाले बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ MCP कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। किसी भी परिस्थिति में टीकाकरण हेतु बच्चे को वापस नहीं करना है। अगर कोई बच्चा टीकाकरण का 2 डोज बाहर लिए हुए हैं तो उसे यहाँ पर अंकित कर टीका दे देना है। वहीं MCP कार्ड नए रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ भी बनानी है। कहा कि कोरोना का टीका भी नियमित टीकाकरण के साथ एक्शन प्लान बनाकर किया जाए ताकि लोग बूस्टर डोज ले सके। 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को भी कोरोना वायरस का टीका देने की बात कही। इस दरमियान उपाधीक्षक ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान 18 सितंबर से चलेगा। इसके लिए सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के सुपरवाइजर एक्शन प्लान तैयार करें ताकि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे पोलियो की दवा पिलाई जा सके। कहा कि एक्शन प्लान बनाने में पूरी तन्मयता दिखाएं ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की दवा पीने से वंचित ना हो। कहा कि 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान 18 सितंबर से शुरू होकर 20 सितंबर तक चलेगा, जिसमें प्रथम दिन बूथ पर जबकि दूसरे और तीसरे दिन घर घर जाकर सहिया एवं सेविका पोलियो की खुराक पिलाएंगे। बैठक में उपाधीक्षक ने ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों से विशेष ध्यान देने को कहा, क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है, इसमें डायरिया, मलेरिया जैसी बीमारी होने का खतरा रहता है। कहा कि ग्रामीणों को कुएं का पानी नहीं पीने की सलाह दी। वहीं स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें ताकि जीवाणु विषाणु का खतरा उत्पन्न नहीं हो। मौके पर WHO के विकास कुमार, इमरान अंसारी, दामोदर वर्मा, सुनीता कुमारी, मीरा कुमारी, अजय कुमार, मुन्नी मंडल समेत सैया साथी एवं स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। मधुस्थल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज मधुपुर के सलैया में अवस्थित है, जिसमें DMLT, DX-ray तथा ED की पढ़ाई द्वारा सरकारी और गैर सरकारी नौकरी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। नामांकन जारी है। स्थानीय 52 बीघा मंगलम सभागार में रविवार को ग्राम सभा फेडरेशन का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन संवाद द्वारा किया गया। ग्राम सभा फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने वार्षिक लेखा जोखा रखा। नए सिरे से फेडरेशन चुनाव के लिए 4 जोन के प्रतिनिधियों का चयन किया गया। संथाल परगना जोन से ललिता देवी, एनी टुडू, बाबूलाल मुर्मू, सुमित्रा हेम्ब्रम,
अबिश्वर हासदा, धनंजय कुमार, कुल्हान जोन से पूर्णिमा, हरी सिंह, चंपा हेम्ब्रम, जयपाल सिंह, शालो हेम्ब्रम, दक्षिणी छोटा नागपुर से सुमित्रा कुजूर, सुनीता कुजूर, अमित लकड़ा, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव भगत और उत्तरी छोटा नागपुर से नारायण गोप, संतोष वर्मा, पूजा कुमारी, सरस्वती कुमारी, अर्जुन प्रसाद ग्राम सभा फेडरेशन के सदस्य चुने गए। चुनाव पर्यवेक्षक सालगे मार्डी और अभरारता बिंदा की देखरेख में सर्वसम्मति से राज्य स्तरीय ग्राम सभा फेडरेशन की संयोजक एनी टू डू सर संजय दत्त, संतोष मोहन वर्मा, कोषाध्यक्ष पूर्णिमा बिरुली, प्रवक्ता भीकराम भगत का चुनाव किया गया। मौके पर समाजकर्मी घनश्याम ने कहा कि अधिकांश जिला भयंकर सूखा की चपेट में है। यह सूखा अकाल का रूप ले सकता है। सूखा से निपटने की तैयारी ग्राम सभा फेडरेशन करे। सब्जी की खेती, कम पानी की फसल उपजाना है। ग्राम सभा फेडरेशन का दो काम है, रचनात्मक और संघर्ष का काम। बहुत तेजी से मौसम का बदलाव आया है। 1.5 महीना का जलवायु परिवर्तन है। किसानों को जैविक खेती बाड़ी को बढ़ावा देना होगा। महिलाओं को किसान का दर्जा दिलाएंगे। महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना है। किशोर किशोरियों का संगठन बनाना है। लोकतंत्र की हिफाजत करना दायित्व है, हमारा दायित्व है। लोकतंत्र की बुनियादी इकाई पंचायत ग्राम सभा को मजबूत करना है। किशोरों के लिए खेती किसानी, जंगल बचाने के लिए ग्रीन स्कूल बनाना, जड़ी बूटी केंद्र का निर्माण कर इसका संगठन तैयार करना, 1500 गांव में सशक्त ग्राम सभा तैयार करना है। 11 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के आह्वान पर सोमवार को मधुपुर अंचल के सभी राजस्व कर्मचारी एक दिवसीय कलमबंद सांकेतिक हड़ताल पर रहे। राजस्व कर्मचारी प्रभु हांसदास, दामोदर दास, भोलानाथ मरीक, तुजेशियस टुड्डू, महेंद्र वर्मा, भूपेश चंद्र ने कहा कि राजस्व निरीक्षकों के पूर्व से लंबित मांगों के प्रति सरकार को सकारात्मक रवैया अपनानी चाहिए। बताया गया कि 11 सूत्री मांगों में 10 अक्टूबर 2019 को झारखंड सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार राजस्व उप निरीक्षकों का ग्रेड पे 2400 रुपये दिया जाए, 3 वर्ष के उपरांत ग्रेड पे 2800 करने, समझौते के अनुसार अंचल निरीक्षकों की सीधी बहाली पर रोक लगाते हुए 50% पदों पर वरीयता एवं 50% पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति देने, प्रोन्नति हेतु राजस्व उप निरीक्षकों का कार्य अवधि 5 वर्ष रखने, राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, सभी राजस्व उप निरीक्षक को लैपटॉप एवं नेट खर्च देने, हल्का इकाई का पुनर्गठन करने, सभी राजस्व उप निरीक्षकों को त्वरित कार्य संपादन के लिए दोपहिया वाहन एवं ईंधन खर्च उपलब्ध कराने, राजस्व निरीक्षकों को क्षेत्र भ्रमण के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने, अंचल निरीक्षक के रिक्त पदों को अविलंब भरने, राजस्व उप निरीक्षक के रिक्त पदों को अविलंब बहाल करने एवं 1 अगस्त 2022 से जनगणना से समायोजित राजस्व उप निरीक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से जुड़े हुए सभी को पुरानी पेंशन लागू करने की मांग शामिल है। मधुपुर प्रखंड की डाक बंगला मैदान में भारत स्वाभिमान न्यास पतंजलि की बैठक प्रभारी प्रखंड प्रभारी शंभू मोदी की अध्यक्षता में हुई। इसमें प्रांतीय सदस्य सह देवघर जिला अध्यक्ष अनुज त्यागी विशेष रूप से शामिल हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष श्री त्यागी ने प्रखंड की सभी पदाधिकारियों एवं योग शिक्षक से संगठनात्मक चर्चा कर समिति विस्तार करने, बंद पड़े योग कक्षा को फिर से चालू करने एवं नए योग कक्षा लगाने पर बल दिया। नए योग शिक्षक तैयार करने हेतु सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर लगाने का निर्णय लिया गया। वहीं भारत सरकार के द्वारा पतंजलि योगपीठ को भारतीय शिक्षा बोर्ड की मान्यता मिलने पर कार्यकर्ताओं में हर्ष है। श्री त्यागी ने कहा कि स्वामी रामदेव जी महाराज के पुरुषार्थ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से अब मैकाले की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। बैठक में देवीपुर प्रखंड प्रभारी अमन आयल समेत राजेंद्र प्रसाद, राजेश कुमार, अवधेश यादव, धर्मेंद्र जायसवाल, सुरेंद्र कुमार, राजू राणा, कृष्ण कुमार, हरिहर प्रसाद चौधरी आदि कई लोग उपस्थित थे।